Hello everyone and welcome back to my YouTube channel The Science Spot। आप लोग प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ रहे थे बेटा, या आप बेसिकली सेल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आपने पढ़ा कि सेल मेनली दो टाइप का होता है या ब्रॉडली दो टाइप का होता है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल बहुत पुराना सा होता था, है ना, जो पहले सेल रहती थी, जैसे कि वायरस सेल होती ही नहीं पहली बात तो। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल क्या बेटा, बैक्टीरिया, है ना। अब आप वायरस कह रहे हैं, गलत बात है। तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, जो पहले पाए जा रहे थे या पुरानी सेल्स, और जो एडवांस हो गए, जो इवॉल्व हो गए, उस सेल को क्या बोलते हैं बेटा, यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल के बारे में हमने आपको बताया था, दो यूकैरियोटिक सेल मेनली होते हैं, ऐसे होते हैं बहुत सारे, फंजाई है ना, प्रोटिस्टा है, लेकिन आप पढ़ते कौन कौन से, प्लांट और एनिमल सेल। तो आज के लेक्चर में हम लोग पहले प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम जो अगला यूकैरियोटिक सेल है, एनिमल सेल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब प्लांट सेल की बात करें बेटा, तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमने आपको काफी चीजें बताई थी, उसी से कंपेयर करके आपको यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ना है। प्रोकैरियोटिक सेल वाला अगर आपको वीडियो देखना है तो आप मेरे पुराने लेक्चर पे जाके देख सकते हैं, मेरा वॉच ओवर बढ़ा सकते हैं। अगर नहीं देखना है तो यहीं से वॉच ओवर बढ़ा दीजिएगा यूकैरियोटिक सेल से, जब प्लांट सेल पढ़िएगा। अब प्लांट सेल की बात करें बेटा, तो सबसे पहले जो सबसे बाहर आप प्लांट सेल में देखते हैं बेटा, वो क्या देखते हैं, बोलिए बेटा, सेल वॉल। क्या देखते हैं, सेल वॉल, सेल की दीवार। भाई आपने बैक्टीरिया में पढ़ा था सेल वॉल होती है, बिल्कुल होती है सर, हमने तो पढ़ा ही था। तो ऐसे यूकैरियोटिक सेल में, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, बात याद रखिएगा बेटा। यूकैरियोटिक सेल में जब आप कंपेयर करते हैं तो प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। प्लांट कपड़ा पहनता है, एनिमल कपड़े नहीं पहनते हैं। कभी किसी गाय को कपड़ा पहनते हुए देखा, किसी भैंस को कपड़ा पहनते हुए देखा, किसी कुत्ते को कपड़ा पहनते हुए देखा, तो क्या पेड़ में से कपड़े होते हैं, कपड़े नहीं होते हैं। लेकिन अब आप एज्यूम कर लीजिए कि प्लांट कपड़ा नहीं पहनता है, सॉरी पहनता है, एनिमल कपड़ा नहीं पहनता है। तो कपड़ा यहाँ पे हम क्या लेके चल रहे हैं, सेल वॉल। तो प्लांट में सेल वॉल होगी, प्लांट कपड़ा पहनेगा, एनिमल में सेल वॉल नहीं होगी, एनिमल कपड़ा नहीं पहनता है। पहले कुत्ते को कपड़ा पहना के टहला रहे, हाँ आजकल तो पहनाते भी हैं, है ना। अब आपने बैक्टीरिया में पढ़ा था कि जो सेल वॉल थी बैक्टीरिया की, वो बनी थी पेप्टिडोग्लाइकन से। पेप्टाइड मतलब था प्रोटीन, ग्लाइकन मतलब था शुगर, मतलब प्रोटीन और शुगर से बना था। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट एक तरफ एक तरीके का क्या, शुगर आप मान के चल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा यूनिट है शुगर का। तो प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से बनी होती है, जो कि एक टाइप का शुगर है। सेल वॉल के बाद आपको प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया में याद होगा, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन, स्किन मान लीजिए। अब प्लांट के कपड़े के अंदर प्लांट की स्किन, एनिमल कपड़ा पहनता नहीं लेकिन स्किन तो एनिमल पे होती है। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है। स्किन प्लांट्स में भी होगी और एनिमल में भी होगी बेटा। अब सेल मेम्ब्रेन आपको मैंने प्रोकैरियोटिक सेल में बताया हुआ है, सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है, परमिएबल मतलब परमिट करना, सेलेक्टिवली मतलब सेलेक्ट करके, सेल मेम्ब्रेन सेलेक्ट करती है कि कोई चीज उसके अंदर आनी है या कोई चीज बाहर जानी है, किसको अंदर आना है किसको बाहर जाना है। जो भी चीज जरूरी होगा वो सेल के अंदर आएगा, जो जरूरी नहीं होगा वो सेल के बाहर चला जाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन सेलेक्ट करता है कि कौन यूजफुल है कौन हार्मफुल, जो यूजफुल होगा उसको रिस्टोर कर लिया जाएगा या अंदर आने दिया जाएगा, और हार्मफुल चीजों को या नॉन यूजफुल चीजों को बाहर निकाल दिया जाएगा। हमने आपको एग्जांपल लिया था बेटा, मान लीजिए गेट है, गेट पे गेट कीपर बैठा है, अगर वो जिंदा है तो वो देखेगा कौन आ रहा है कौन जा रहा है, जिसको आने देना होगा। मान लीजिए शाहरुख खान ने पार्टी थ्रो की, अब आप लोग मुंह उठा के चले गए वहां पर, अब वहां पर पता चला कि गेट कीपर बैठा आपको अंदर नहीं जाने दे रहा है, आप इनवाइटेड तो है नहीं। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, गेट कीपर जो जिंदा है, और तो सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है। सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, लिविंग होती है, लेकिन जो सेल वॉल होती है बेटा ये डेड होती है। अब मान लीजिए आपने कोई गेट कीपर बैठाया जो मरा हुआ है, तो आप शाहरुख खान ने क्या किया, गेट कीपर बैठा लिया, आपने बंदूक उठाई गोली मार दी, वो खत्म, अब आप अंदर जा रहे हैं आराम से। सेल वॉल डेड होती है, जिससे कुछ भी पास हो सकता है, इसलिए उसको बोलते हैं फ्रीली परमिएबल। फ्रीली मतलब
आराम से, मतलब ये आराम से चीजों को आने जाने देते हैं, कोई भी चीज अंदर आ सकती है, कोई भी चीज बाहर जा सकती है। तो सेल वॉल फ्रीली परमेबल होता है, ये किसी भी चीज को आने जाने देता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल होता है, सेलेक्ट करता है किसको अंदर आना और किसको बाहर जाना है। उसके बाद देखेंगे बेटा, कोई भी सेल हो उसके पास एक तो सेल मेम्ब्रेन होगा, ये यूनिवर्सल मेम्ब्रेन है, ये हर सेल में पाया जाता है। बिना सेल मेम्ब्रेन के आप बता ही नहीं सकते कि सेल कहाँ है। देखिए इसमें सेल मेम्ब्रेन है, ये सबसे बाहर रेड वाला क्या है बेटा, सेल वॉल है, ये क्या है सेल वॉल। उसके अंदर ये जो ब्लैक से बना हुआ है ये पार्ट, ये क्या है सेल मेम्ब्रेन। तो अभी मान ली मैंने कहा यहाँ पर सेल है, तो क्या बता सकते हैं सेल कहाँ पर है, नहीं। लेकिन मैंने कहा यहाँ पर सेल है तो आप बता सकते हैं कि सेल है, क्यों, क्योंकि एक बाउंड्री उठा दी गई, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, बाउंड्री, घेराव। अब अगर उसके अंदर आए तो किसी भी सेल में एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तीसरा कॉम्पोनेंट सेल का क्या है बेटा, साइटोप्लाज्म। ये प्लांट सेल में भी होगा, एनिमल सेल में भी होगा, बैक्टीरिया में भी होगा। साइटोन मतलब होता है बेटा सेल, और प्लाज्मा आप जानते हैं बेटा जेली लाइक सब्सटेंस। साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल के अंदर पाया जाता है। असल में जैसे मान लीजिए सेल में लिक्विड भरी है, उसमें सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, ये सारी चीजें हैं। तो ये सब जब पानी में आप सॉलिड मिला देंगे वो थोड़ा चिपचिपा हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। सेल के अंदर जो लिक्विड भरा है उसको बोलते हैं साइटो। फिर अगला चीज देखेंगे बेटा, जो एसेंशियल कंपोनेंट है हर सेल का वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को ब्रेन कहते हैं सेल का, इसको रॉबर्ट ब्राउन ने, भूरे ने डिस्कवर किया था, ब्राउन मतलब भूरे ने डिस्कवर किया था। अब न्यूक्लियस की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का बेसिक डिफरेंस था कि प्रोकैरियोटिक सेल में ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर बाउंड्री नहीं होती, उसको न्यूक्लाइड कहते हैं, मैंने पुरानी वीडियो में बताया, वहां से देख सकते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की बाउंड्री होती है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की बाउंड्री। सेल की बाउंड्री को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस की बाउंड्री को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये डबल लेयर्ड होता है बेटा, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो वॉल्स होती हैं, लेयर्स होती हैं, वो बीच बीच में खाली रहती हैं, ब्रेक रहती हैं। तो ये जो ब्रेकेज है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच बीच में, उसको बोलते हैं बेटा न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ये जो ब्रेकेज है इनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स, जो छेद पाए जा रहे हैं। पोर मतलब छेद, इन्हीं चीजों छेदों इन्हीं छेद से चीजें बाहर आती हैं और अंदर जाती हैं, क्लियर, छेदों से, है ना। कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हुआ करती हैं। तो न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरी होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहीं कहीं पर डिसकंटिन्यूअस होता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। इन्हीं पोर्स से चीजें अंदर आती है और बाहर जाती है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस राइबोसोम को बनाता है, और राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का काम क्या बेटा, प्रोटीन को बनाना। ठीक, जो हमारे सेल्स में प्रोटीन बनती है वो कौन बनाता है, राइबोसोम। अब राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में भी था, यूकैरियोटिक सेल में भी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस था। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का था, यूकैरियोटिक सेल में 80S। अब ये 70S 80S क्या है, मैंने पुराने लेक्चर में पढ़ाया है, आप प्रोकैरियोटिक सेल में जाकर देख सकते हैं। फिर पॉइंट हो गया हमारा राइबोसोम। अब देखिए न्यूक्लियस से कुछ जाल बने हुए हैं, इस जाल को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो मतलब अंदर की तरफ, जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिस रिएक्शन में हीट अब्सॉर्ब होती है, एंडो मतलब अंदर की तरफ, प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर रेटिकुलम एक जाल बना हुआ है, देखिए जाल बना हुआ है, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जाल मेम्ब्रेन से बना हुआ है, ये बेटा बाउंड्रीज है, इन्हीं बाउंड्रीज से ये जाल बना हुआ है, देखिए ब्लैक ब्लैक बाउंड्री बनी हुई है, सब क्या है बाउंड्रीज है, इन्हीं बाउंड्रीज से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना हुआ है। अब वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिससे राइबोसोम जुड़े होते हैं, ये क्या है बेटा राइबोसोम से, उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिससे राइबोसोम नहीं जुड़ा उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मान लीजिए मेरी स्किन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर इस पे हम कोई नमकीन डाल दें, तो नमकीन डाल देंगे तो ये रफ हो जाएगा बेटा, और नमकीन हटा देंगे तो ये स्मूथ हो जाएगा। तो ये नमकीन क्या है राइबोसोम, और स्किन क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम होगा, स्किन पे नमकीन होगा, तो ये रफ होगा, अगर स्किन पे नमकीन नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम नहीं है, तो स्मूथ होगा। अब स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंस है बेटा, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शॉर्ट फॉर्म होता है ER,
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं आर ई आर और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं एस ई आर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वही काम है जो राइबोसोम का है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाना। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है बेटा कोलेस्ट्रॉल को बनाना। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है बेटा? कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल या स्टेरॉइड्स जो भी कह लीजिए, कोलेस्ट्रॉल एक तरीके का फैट है या ऑयल है जो कि हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होता है। वो बनाता कौन है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे आप पढ़ते हैं बेटा हार्ट अटैक आ गया तो ब्लड वेसल में खून जिसमें बहता है, जिस रास्ते पर बहता है उसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है जिससे हार्ट अटैक आ जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल एक तरीके का फैट है बेटा, चर्बी है जो कि हमारे ब्लड वेसल्स में जिसमें खून बहता है उसमें जम जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जाल है, ये दो टाइप का है, रफ जिसमें राइबोसोम होगा तो प्रोटीन बनाएगा और स्मूथ जिसमें राइबोसोम नहीं होगा ये प्रोटीन नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा? कोलेस्ट्रॉल। उसके बाद न्यूक्लियस में आपने न्यूक्लियोलस का काम देख लिया, एक टर्म और एक क्रोमैटिन फाइबर। क्रोमैटिन फाइबर्स धागे होते हैं जो आगे चल के क्रोमोसोम बनाते हैं और क्रोमोसोम का काम होता है माँ बाप से बच्चों तक कैरेक्टर्स को लाना, लक्षण को लाना। हमारी हाइट कलर ये सब हमें अपने माँ बाप से मिले, तो वो कौन लाया है? क्रोमोसोम। अब कहेंगे सर, बहुत से बच्चे ऐसे कहेंगे कि सर हम लोग का कैरेक्टर तो मम्मी पापा दोनों से नहीं मिल रहा है। तो मम्मी पापा के अंदर भी तो उनके मम्मी पापा के कैरेक्टर आए बेटा, तो कुछ कैरेक्टर उनके मम्मी पापा के हम लोगों में एक्सप्रेस हो गए, मम्मी पापा में हमारे एक्सप्रेस नहीं हुए थे। मान लीजिए हमारे नाना लंबे थे, मम्मी पापा दोनों छोटे हैं लेकिन हम लंबे हो गए, तो हमारे पास मम्मी पापा के कैरेक्टर आने के बजाय नाना का कैरेक्टर आ गया। असल में मेरी मम्मी पापा का जो कैरेक्टर है वो मेरे नाना और दादा से या नानी और दादी से, लेकिन उनमें कुछ एक्सप्रेस नहीं हो पाया, मेरे अंदर एक्सप्रेस हो गया। कंफ्यूजन हो तो ये सब तो झूठ बताते हैं, है ना। उसके बाद अगला सेल ऑर्गेनेल है बेटा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। प्लांट आपको पता है अपना खाना खुद से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, तो उसको कौन कराता है बेटा? क्लोरोप्लास्ट। उसके अलावा प्लांट सेल में बहुत बड़े बड़े से खाली जगह होती है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं वैक्यूल। वैक्यूल का काम है एक्सेस वाटर और वेस्ट मटेरियल को स्टोर करना। वैक्यूल क्या करता है? प्लांट में जो एक्सेस पानी होता है वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है। मान लीजिए ये प्लांट की ब्रांच है, इसकी ये सेल्स की वैक्यूल है, इसमें कई सारी सेल्स होंगी, हर सेल में वैक्यूल होगा, इसमें वाटर और वेस्ट मटेरियल स्टोर है। जब सन की लाइट पड़ेगी, धूप पड़ेगी, तो ये हीट होगा पानी और पानी एवोपरेट करेगा, बाहर आएगा, तो एक्सेस पानी रिमूव हो जाएगा, साथ साथ उसका वेस्ट मटेरियल भी रिमूव हो जाएगा। तो वैक्यूल का काम है एक्सेस वाटर और वेस्ट मटेरियल को स्टोर करना, ज़्यादा पानी और गंदगी को स्टोर करना। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है, बाउंड्री होती है, इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की बाउंड्री को क्या बोलते हैं बेटा? टोनोप्लास्ट। समझ में आ रहा है? सर शरीर यहाँ है, आत्मा कहीं और है, भूख लग रही है क्या टमी में, पेट में? उसके बाद देखते हैं बेटा, अच्छा न्यूक्लियस में एक चीज और छूट गया, जैसे सेल के लिक्विड को साइटोप्लाज्म कहते हैं, इसी न्यूक्लियस के लिक्विड को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं बेटा। न्यूक्लियस के लिक्विड को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं पब्लिक? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो आ गए, ठीक है। अब देखते हैं और क्या बचा, और एक चीज बच रही है बेटा यहाँ पर, नहीं है बताइए क्या? सोचे सोचे, माइटोकॉन्ड्रिया। कोई भी सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, हर यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है? बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया था? नहीं था बेटा, वहां पर क्या था? मेसोजोम। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंड है और प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड चीजें नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं बेटा? पावर हाउस ऑफ द सेल। इस सेल को एनर्जी देता है, किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी का मुद्रा, करेंसी मतलब पैसा। आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी, ऋतिक रोशन की? नहीं देखी तो देखेगा, उसमें पहले जमाने की चीजें दिखाई गई हैं कि पहले क्या होता था कि सामान के बदले सामान मिलता था, उसमें पैसा नहीं चलता था, गेहूं के बदले चावल ले लो ये सब चीजें। तो भाई मेरे वहां मान लीजिए गेहूं की खेती है, आपका वहां मान लीजिए चावल की खेती है, तो आप सिर्फ चावल खा के जिंदा नहीं रह सकते, हम सिर्फ गेहूं खा के जिंदा नहीं रह सकते। आप कहेंगे सर हम जिंदा रह लेंगे, ठीक है।
चावल आप क्या करेंगे, 1 किलो चावल हमें दे करके 1 किलो गेहूं ले लेंगे आप। लेकिन असल में होता है क्या, मान लीजिए हम सिर्फ 2 ही किलो गेहूं उगाए, आपने 10 किलो चावल उगा लिया, तो आप हमसे 2 ही किलो तो चावल एक्सचेंज कर पाएंगे, बाकी चावल आपका खराब हो जाएगा। उसके लिए पैसा सिस्टम लाएगा। पैसा सिस्टम में क्या था कि हमारे पास अगर 10 किलो चावल लेने का पैसा है तो हम आपसे 10 किलो चावल ले लेंगे, या 2-3 लोगों ने मिलकर 10 किलो चावल ले लिया, अब आपके पास पैसा आ गया। अब आपको गेहूं खरीदना, गेहूं खरीद दिए, टॉय खरीदना, टॉय खरीद दिए, पैसा तो कभी खराब होगा नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जब एनर्जी बनाता है तो कुछ एनर्जी हमारी सेल यूज करती है, बाकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, तो उसको स्टोर कर लिया जाता है किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। एक चीज और बच गई, आपने पूछा नहीं, ये क्या है, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी का दूसरा नाम है डिक्टायोसोम, इसको कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया था। गोल्गी बॉडी प्लांट सेल में क्या होता है बेटा, गोल्गी बॉडी अलग रहती है, ये जो बॉडीज हैं एक दूसरे से अलग रहती हैं, एनिमल सेल में ये जुड़ी रहती हैं। एनिमल सेल में जुड़ी रहती है तो वहां पर सिर्फ गॉल्गी बॉडी और गॉल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और प्लांट सेल में अलग रहती है इसलिए इसको एक नया नाम देते हैं, उसको बोलते हैं डिक्टायोसोम। गॉल्गी बॉडी को बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, सेल की ये ट्रैफिक पुलिस है, मतलब ये रेगुलेट करती है कि सेल में चीजें कैसे जानी है। ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, डायरेक्शन बताता है, तुम्हें ऐसे जाना है, तुम्हें ऐसे जाना है। जैसे गॉल्गी बॉडी अगर सेल के अंदर कुछ आता है तो वो उसको डायरेक्ट करती है कि इधर जाओ या उधर जाओ। गॉल्गी बॉडी का दूसरा काम है बेटा कि ये चीजें बनाता है, जैसे ये प्रोटीन बनाता है, जो भी चीजें बनाता है वो जाती है फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और वहां पर जाके पैक होती है। तो गॉल्गी बॉडी का काम है बेटा चीजों को बनाना, ये सिक्रीशन का काम करता है, चाहे एंजाइम बनाए चाहे प्रोटीन। एंजाइम जानते हैं जो किसी काम को तेज कर दे, जैसे मान लीजिए हमने एक बच्चे को मारा, बाकी बच्चे चला गया और मारो और मारो, तुमने और मारा, तो ये जो बाकी बच्चे चिल्ला रहे और मारो, ये क्या एंजाइम है, किसी काम को तेज कर रहे हैं। तो गॉल्जी बॉडी प्रोटीन बनाता है, एंजाइम बनाता है, और ये सब जब बनता है तो पैक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और काम है गॉल्जी बॉडी की चीजों को पैक करना। मान लीजिए आपने नमकीन बनाई तो आपने पैक कर दिया, तो हम गॉल्जी बॉडी हैं और आप क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? तो ये आपके प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद हम एनिमल सेल का स्ट्रक्चर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्लांट सेल एक यूकेरियोटिक सेल है, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इसके पास सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन है जो आप नॉर्मली सेल्स में देखते हैं। तो अब आपको कोई वीडियो समझ में आई है, अगर समझ में आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और जो भी आपको चैप्टर पढ़ना है या टॉपिक पढ़ना है मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस।